आज भी संसार में कई लोग ये सोचते हैं, आज भी संसार में कई लोग ये विचार करते हैं कि संसार में ईश्वर नाम का कोई तत्व है या नहीं है। जहां श्रद्धा की बात तो बहुत दूर की है, जहां विश्वास की बात तो बहुत दूर की है, जहां आस्था की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर समझ लेना, चाहे आप ईश्वर का नाम दो, चाहे आप परमात्मा का नाम दो, चाहे आप कोई भी स्वरूप से उसका स्वीकार करो, चाहे कोई भी रूप से आप उसका स्वीकार करो, लेकिन विश्व में एक ऐसा तत्व है जो पूजनीय है, जो वंदनीय है, जो हमारे जीवन में जितनी भी उपलब्धियां है उसके मूल में है, उसके मूल स्थान में है। ऐसा एक तत्व ये संसार में, हम उसको तीर्थंकर कहते हैं, हम उसको परमात्मा कहते हैं, हम उसको भगवान कहते हैं। और इसीलिए आज जब दर्शन पद की आराधना का दिवस है, आज जब श्रद्धा की बात आती है, तो मन में ये बात उठती है कि क्या सही मायने में परमात्मा है, क्या सही मायने में परमात्मा होते हैं, क्या सही मायने में ऐसा कोई तत्व है जो हमारे हित के लिए सोचता हो, जो हमारे लिए सोचता हो, जिसकी वजह से हमारा जीवन निर्विघ्न चलता हो, जिसकी वजह से, जिसके बताए हुए धर्म की वजह से हमारा जीवन सुरक्षित चलता हो, हमारा जीवन बेहतर चलता हो, क्या सच में ऐसा कोई तत्व है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि हाँ ऐसा तत्व है। कई बार आपने ये बात सुनी होगी, स्कूल में टीचर नास्तिक था, उसने सभी विद्यार्थियों के सामने एक प्रश्न रखा कि मुझे कोई साबित करके बता दे कि भगवान कहाँ है, मैं उसको 100 रुपए इनाम दूंगा। नास्तिक टीचर बच्चों को यह कहता है कि मुझे कोई साबित करके बता दे कि भगवान कहाँ है, मैं उसको 100 रुपए इनाम दूंगा। सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, वो क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, भगवान कहाँ है, भगवान है ये तो जानते थे, लेकिन भगवान कहाँ है नहीं जानते थे। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे, क्या प्रत्युत्तर दे टीचर। उतने में एक बच्चा आगे आया, आगे आकर के टीचर को ये कहा कि टीचर आप ये कह रहे हो कि हम ये साबित कर दे कि भगवान कहाँ है, तो आप हमें 100 रुपए दोगे, मैं आपको ये कहता हूं कि आप ये साबित कर दो कि भगवान कहाँ नहीं है, मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। कहाँ नहीं है, हमारे यहां लिखा गया कि अनु अनु में मास, कांकरे कांकरे अनंता सिद्धि, हम बोलते हैं एक एक कंकर के ऊपर वह तीर्थंकर का वास है, वह परमात्मा का वास है, वो तत्व का वास है, वो शक्ति का वास है, और उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था और उसके प्रति अहोभाव की बात है। हमारे यहां कहा गया कि 3 तरह की श्रद्धा होती है। आज जब दर्शन पद की आराधना का दिन है, तो एक बार भगवान के सामने बैठ के खुद की श्रद्धा को चेक कर ले, क्योंकि भक्ति आपके भीतर होगी, मैं मना नहीं करता, तप त्याग आपके भीतर होगा, मैं मना नहीं करता, दान की भावना आपके भीतर होगी, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सभी का मूल यदि कोई है तो वो श्रद्धा है, और श्रद्धा जब तक आपके भीतर जागृत नहीं है, जीवंत नहीं है, तब तक आपकी भक्ति बेकार है, आपका तप त्याग बेकार है, आपका दान बेकार है, आपकी सभी धर्म की आराधना बेकार है, आपकी क्रियाएं बेकार है। जब तक भीतर में श्रद्धा नाम का तत्व जीवंत और जागृत नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज दर्शन पद की आराधना के दिन भगवान के पास जाकर के बैठ करके एक बार सोच लेना कि मुझे परमात्मा के प्रति श्रद्धा कितनी है। हमारे यहां तो कहा गया कि परमात्मा हमारे इतने उपकारी है, जब तक एक जीव मोक्ष में नहीं जाता हम निगोद से बाहर नहीं निकलते, लेकिन फिर भी यहां आने के बाद हम ईश्वर तत्व को मानने तैयार नहीं, हम भगवत तत्व को मानने तैयार नहीं, हम परमात्मा को मानने तैयार नहीं। और इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर समझना, जब तक एक जीव निगोद से बाहर निकलना चाहे, जब तक एक जीव मोक्ष में नहीं जाए, तब तक नहीं निकल सकता। वहां से हमारी पंचेंद्रिय की यात्रा बनी, वहां से हम पंचेंद्रिय मनुष्य बने। ये सभी उपकार किसी का है तो मात्र मात्र तीर्थंकर परमात्मा का, अरिहंतों का है, सिद्धों का है, और वह अरिहंत के प्रति, वह सिद्ध के प्रति यदि हमारी श्रद्धा ना हो, यदि हमारी आस्था ना हो, यदि हमें विश्वास ना हो, और फिर भी हम कितनी ही धर्म की आराधना करते जाए, सब निरर्थक हो जाए। का 3 तरह की श्रद्धा होती, पहली श्रद्धा पुत्र और माता जैसी,
कहा कि पुत्र को माता के ऊपर एक श्रद्धा होती है, वो माता के साथ अपने को सुरक्षित महसूस करता है। माता के साथ जब वो रहता है, वो जब परेशान हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, तो भीतर से आवाज लगाता है माता, क्योंकि उसको पता है, उसको श्रद्धा है, उसको विश्वास है कि मेरी माता मुझे संभाल लेगी, मेरी माता मुझे बचा लेगी। कहा कि पहली श्रद्धा निश्चित तौर पर कौन सी है, तो कहते हैं कि माता और पुत्र जैसी। पुत्र को माता के ऊपर जो श्रद्धा होती है वो बहुत सामान्य कक्षा की है, और इतनी श्रद्धा होती है कि पुत्र अपना तन समर्पित कर देता है माता के। आप लड़के को हाथ भी लगाओ रोने लगेगा, माता उसको हवा में भी उछाल दे फिर भी वो आनंदित रहेगा, क्योंकि एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। अपने तन की भी फिक्र नहीं, उसे विश्वास है कि मेरी माता है, मुझे नुकसान हो ऐसा एक भी काम वो नहीं करेगी, मुझे परेशानी हो ऐसा एक भी काम वो नहीं करेगी, मुझे तकलीफ हो ऐसा एक भी काम वो नहीं करेगी। कहते पहली श्रद्धा पुत्र और माता जैसी, वहां तन अर्पित हो जाता है, तन समर्पित हो जाता है, वहां तन की चिंता नहीं रहती, तन की फिक्र नहीं रहती। अरे मनुष्य जगत की बात तो जाने दो, प्राणी जगत में भी आप देखो, आपने कई बार ऐसे चित्र देखे होंगे, शेरनी जो होती है वो छोटे छोटे बच्चे को खुद के मुंह में लेकर के दूसरी जगह ले जा करके रखती है, वो मुंह में लेती है फिर भी डर नहीं लगता। और किसी के बच्चे को यदि मुंह में ले ले तो उसको लगे कि मेरे तो 12 बज गए, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन खुद के बच्चे को जब मुंह में लेती है तो उसको विश्वास है कि मेरी माता मुझे मारेगी। पुत्र का माता के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो प्रथम क्रमांक, वो लो क्वालिटी की श्रद्धा है, पर श्रद्धा तो है। एक बेटे को माता के प्रति, बेटा कितना ही पागल हो लेकिन फिर भी उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा होती है कि मेरी माता मुझे संभालेगी, पूरा संसार मुझे भगा देगा, पूरा संसार मुझे हटदूत कर देगा, पूरा संसार मुझे इधर उधर फेंक देगा, इधर उधर मुझे घुमाते रहेगा, लेकिन मेरी माता एक ऐसी है जो मेरी सुरक्षा करे। का दूसरी श्रद्धा शिष्य को गुरु के प्रति, बेटे को मां के प्रति भी एक श्रद्धा होती है, और दूसरे नंबर में शिष्य को गुरु के प्रति भी एक श्रद्धा होती है। मां के प्रति श्रद्धा के कारण बेटा अपना तन अर्पित कर देता है, और शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा के कारण अपना मन अर्पित कर देता है, वो मन झुका देता है। हमारे यहां कहा जाता है शरीर का समर्पित होना यह शिष्यत्व तो नहीं है, मन का समर्पित होना यह शिष्यत्व तो है। हम शिष्य कब बने? जब मन हमारा अर्पित हो जाए, मन हम गुरु के चरणों में रख दे, हमारी इच्छाओं को गुरु के चरणों में रख दे, हमारी भावनाओं को गुरु के चरणों में रख दे, हमारे विचारों को गुरु के चरणों में रख दे, तब जाके समझ लेना कि हमने कुछ अर्पण किया। और इसलिए कहा कि समझना निश्चित तौर पर शिष्य को गुरु के प्रति एक श्रद्धा होती है, और वही श्रद्धा से वो अपना तन और साथ में मन दोनों गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। गुरु कहे उस मुताबिक जीना, गुरु कहे उस मुताबिक चलना, गुरु कहे उस मुताबिक जीवन को आगे बढ़ाना, ये शिष्य की श्रद्धा होती है। इसीलिए कहा कि दूसरे नंबर की श्रद्धा जो है वो शिष्य और गुरु की है। पहले नंबर की श्रद्धा पुत्र और माता की है, दूसरे नंबर की श्रद्धा शिष्य और गुरु की है, और कहा तीसरे नंबर की श्रद्धा भक्त और भगवान की है। कहा पुत्र यदि तन अर्पण करता है, शिष्य यदि तन और मन अर्पण करता है, तो भक्त भगवान के लिए तन मन और जीवन तीनों अर्पण कर देता है। धन तो बहुत तुच्छ चीज है, लेकिन तन का अर्पण होना, मन का अर्पण होना, जीवन का अर्पण होना, तभी जाके हम भगवान के भक्त बन पाते हैं। इसीलिए कहा शास्त्रकार भगवंतों ने, चेक कर लेना आपकी श्रद्धा परमात्मा के प्रति कैसी है। पुत्र और माता जैसे, जब परेशानी आवे तभी भगवान याद आवे, जब भूख लगे तभी माँ याद आवे, पूरा दिन बेटा खेलते रहता है तब उसको माता याद नहीं आती, लेकिन जब भूख लगती है तो माता याद आती है। कौन सी श्रद्धा आप जीवन में लेकर के बैठे हो? अरे जब श्रद्धा की बात आती है तो वो आनंद धन जी महाराज याद आते हैं, जब श्रद्धा की बात आती है तो वो मीराबाई याद आती है। कि क्या उसने जीवन के भीतर एक कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा जगाई, अपनी आस्था जगाई? कहते हैं कि जब उसके पति ऑफ हो गए, देवलोक गमन हो गया, जब वो चले गए
तो लोगों ने कहा कि आपका श्रृंगार उतार दो, आपके पति चले गए, अब वो इस संसार में रहे नहीं, वो तो यहां से चले गए। उसने कहा कि नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजा और न कोई। कहा मेरे पति तो कृष्ण है, और कौन है? और यही भावना जब आनंदगंज जी के भीतर आई तो उन्होंने ये स्तवन लिखा, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारो। अरे मारे परमात्मा मेरे प्रीतम है, मैं परमात्मा से प्रेम करता हूं, परमात्मा मेरे प्रीतम है, मेरे पति है, मेरे भरतार है, ये परमात्मा है। ये भावना भीतर में कैसे जगे? जब पति छोड़ के चला जाए तब भी मन में ये भाव है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजा न कोई। वो नरसिंह मेहता की भक्ति याद आती है, उसका जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा थे, उसकी जो परमात्मा के प्रति आस्था थी वो बड़ी गजब की थी। और इसीलिए जब भक्तों को याद किया जाता है तो मीराबाई को याद किया जाता है, आनंद गंजी को याद किया जाता है, नरसिंह मेहता को याद किया जाता है, क्योंकि उनके जीवन में भक्त की श्रद्धा थी, भक्ति में लगे हुए थे। किसी ने आकर के समाचार दिए कि आपकी धर्म पत्नी चली गई, तब उनके मुंह से ये पद निकला कि भलू थयु भागी जंजाल भावे भजसु श्री गोपाल। अच्छा हुआ परेशानी चली गई, अब तो मैं और कृष्ण की भक्ति में लीन रहूंगा, और भगवान की भक्ति में रत रहूंगा, और समय में भक्ति के लिए निकाल पाऊंगा। इसलिए चाहे उदय रत्न जी महाराज हो, चाहे यशो विजय जी महाराज हो, हर एक को भक्त के रूप में याद किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भक्त की भगवान के प्रति जो श्रद्धा होती है, जो आस्था होती है, वहां तन भी अर्पण है, वहां मन भी अर्पण है, और वहां जीवन भी अर्पण है। और आज दर्शन पद के दिन अपने आप को देख लेना कि हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा कैसी, कैसी श्रद्धा हम लेकर के बैठे। फिर से एक बार कह देता हूं कि क्रिया चाहे कितनी कर लो, साधना आराधना चाहे कितनी कर लो, भक्ति चाहे कितनी कर लो, लेकिन भीतर में जब तक परमात्मा के वचनों के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, तब तक कुछ नहीं होना है। और आज के संसार की ये बड़ी विषमता है, लोग भगवान को मानने तो तैयार है लेकिन भगवान का मानने तैयार नहीं। आप भगवान को तो मानते हो, आप कहते हो नहीं चिंतामणि पार्श्वनाथ दादा मेरे उपकारी, मना नहीं, भगवान को मान रहे, आज का संसार तैयार है, हर एक व्यक्ति भगवान को मानने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान का मानने के लिए कोई तैयार नहीं। भगवान ने जो बातें बताई, भगवान ने जो चीजें बताई, भगवान ने जो क्रियाएं आराधनाएं साधनाएं तप त्याग की बातें बताई, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि भगवान को मानना ये सच्ची श्रद्धा नहीं है, लेकिन भगवान का मानना ये सच्ची श्रद्धा है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।